मेरे गुरु नानक पातशाह, जब गुरु अंगद देव जी महाराज के झोले में ये श्री जपजी साहब जी की बाणी डाली, उस वक्त उन्होंने ये वचन किए कि इसमें पौड़ियां हैं, जो तरतीब करके जब फाइनल करके गुरु अंगद देव जी महाराज को दी ये पौड़ियां, श्री जपजी साहब जी की बाणी की रचना हो गई संपूर्ण। तब कहने लगे, ये ध्यान देना, हम कहते पौड़ियां, पौड़ी किसको कहते हैं? सीढ़ी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंजाबी में पौड़ी कहते हैं, हिंदी में सीढ़ी कहते हैं, लैडर। ये क्या करती है सीढ़ी? जो चढ़ता है उसे ऊपर ले जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज से कह रहे हैं कि ये पौड़ियां हैं इसकी 38। जो सिख इस वाणी पर विचार करेगा, इसे पढ़ेगा, इसे सुनेगा और इसके ऊपर अमल करेगा, वो एक एक करके सीढ़ी चढ़ता जाएगा। ध्यान से समझना, एक ओंकार के अर्थ समझे, मूल मंत्र के पूरे अर्थ हो जाएंगे, फिर पौड़ियां आएंगी। कई लोग मूल मंत्र को पहली पौड़ी भी कहते हैं, जो जिसकी मर्जी वो समझे, जो करे, चाहे इसे भी पौड़ी गिर लो चाहे ना गिनो, उसके बाद जो पौड़ियां आएंगी। कहने का भाव, जो जो भी उपदेश उसमें आता जाएगा, पहले सुना है हमने, सुनना है, सुनने के बाद मन मानेगा कि हाँ गुरु साहब जी सही कह रहे हैं, और जो उसके ऊपर चलना शुरू कर देगा, अपने जीवन को उसके ऊपर ढालना शुरू कर देगा, मानो एक एक करके वो सीढ़ी चढ़ता जाएगा, एक एक पौड़ी से, जो गुरु साहब जी कह रहे हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, ये प्रभु को मिलाप की सीढ़ी है, कोई आम सीढ़ी नहीं, ये पौड़ियां वो हैं। एत राह पत पवड़िया चढ़िए हुए 21। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किस सीढ़ी पर चढ़कर ही मिलाप होगा, ये जीवन की जुगती है। इस सारे शब्द श्री जपजी साहब जी की वाणी में जीवन की जुगती, जो जो इस जुगती को अपनाता जाएगा, एक एक पौड़ी चढ़ता जाएगा, हमारे जैसे नहीं, सीढ़ी के पास खड़े होकर सारा जीवन बीत गया। जपजी साहब जी का गुटका घर में है, पढ़ते हैं, पता ही नहीं क्या है, पता ही नहीं कि ये सीढ़ी है, इसके ऊपर चलना है। अब पता चल गया तो चलना है, जो चलेगा वही पहुंचेगा, सीढ़ी ऊपर लेके जाती है। ये जपजी साहब जी की वाणी सुरत को ऊपर उठा देगी और प्रभु से मिला देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो एक ओंकार तक पहुंचना ही हमारा मकसद है।